सी डबल प्लस कंस्ट्रक्टर के अंदर अभी हम करेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर। ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर्स के हो गए हैं, कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर के टाइप्स और डिस्ट्रक्टर भी हो गया है, बट अभी इस वीडियो में मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में समझा रहा हूँ। पहले इसका एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए यहाँ इसका एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है आपको, कॉपी है, कॉपी कंस्ट्रक्टर का। देखेंगे इस कैसा काम करता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर होता क्या है, ये क्या उसका टास्क है देखेंगे। अब ये क्लास यहाँ डिफाइंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्लास है, उसके अंदर दो वेरिएबल्स है और दो फंक्शंस है, नहीं तीन फंक्शंस हो गए हैं, ये भी फंक्शंस है, ये भी और ये भी, तीनों फंक्शंस है। अच्छा, ये तीनों फंक्शन में ये दो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। देखो जिसका नेम सेम क्लास नेम होता ना, वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बोलते हैं उसको, क्लास के अंदर है इसलिए मेंबर फंक्शन भी बोलेंगे, क्लास मेंबर फंक्शन। ये दो भी कंस्ट्रक्टर है, इसका पहचान है, ये पब्लिक में ही डिफाइंड होते हैं। इसका रिटर्न टाइप देखिए कुछ नहीं है। अब इसका रिटर्न टाइप वाइड हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो हमें वाइड लिखते हैं, तो इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं रहता है, उसका नेम सेम क्लास नेम ही रहता है, ये कंस्ट्रक्टर का पहचान है। अच्छा अभी चलेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। अब इस क्लास का नाम है, तो देखिए जब इस नाम का क्लास हम डिफाइन कर लिए तो ये नेम यूज करके हमें वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसा इंटीजर यूज करके डिक्लेयर करते हैं। अच्छा नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ वेरिएबल एक लिखे यम, तो क्लास के वेरिएबल को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। देखिए यहाँ दो कंस्ट्रक्टर है, हो सकते हैं ये क्लास में अंदर कितने भी कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, तो आप यहाँ एक ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए ना, क्लास के वेरिएबल को ही ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो यहाँ दो कंस्ट्रक्टर है, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये ऊपर वाला कॉल होगा, क्योंकि इसके कितने पैरामीटर है, दो, वो भी इंटीजर। यहाँ तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाते बनाते क्या भेज रहे हैं, तुम्हें क्या दे रहे हैं उसे, तो उसके वैल्यूज, दो वैल्यूज दे रहे हैं, वो भी इंटीजर। तो यहाँ क्या पास कर रहे हैं वो समझ के, वो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होना है वो कॉल होगा। तो ये 10 जो 20 जो दिख रहे हैं, ये 10 आके x में आएगा, ये 20 आके ये y में आएगा। x में आया हुआ वैल्यू आप ये को चल जाए, अरे ये दो मेंबर जो दिख रहे हैं ना उसमें a को एक जाएगा, b को एक जाएगा। और एक बात ध्यान देना है, जो ऑब्जेक्ट आपने बनाए हैं आई एम, उसके लिए ऐसा मेमोरी बनेगी। देखिए कोई भी एक क्लास डिफाइंड होने के बाद वो क्लास का वेरिएबल कभी बनाते हैं या ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर वेरिएबल्स कितने हैं देख के उसका पूरा मेमोरी, ये वेरिएबल दो बाइट लेता, ये दो बाइट लेता, पूरा मिले तो चार बाइट का एक लोकेशन मिल जाता है उस ऑब्जेक्ट को। उसमें दो मेंबर्स होंगे, ये भी जितने यहाँ रहेंगे उतने मेंबर्स होंगे, उसका ऑब्जेक्ट का नाम होगा यम, ऑब्जेक्ट का नाम होगा यम। हाँ ये जो यम के लिए ये मेमोरी बनी थी तो उसके लिए आप दो वैल्यू पास किए थे, वो कंस्ट्रक्टर वो दोनों वैल्यू लेके वही ए बी को, किसके ए बी को, यम के, यम के, एन के नहीं, यम के, क्योंकि हाँ यम से ना कॉल हुआ है कंस्ट्रक्टर, यम के ए बी को दे देगा। अब यहाँ कोई लगाने की जरूरत नहीं, यम डॉट ए, यम डॉट ए बी, वो जिस ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ उसके मेंबर्स को खुद चल जाता है। तो इसमें 10 चल गया और इसमें क्या हो गया, 20 चल गया। कंस्ट्रक्टर का काम वही है, ऑब्जेक्ट बनते हैं उसमें इनिशियलाइज करता है। तो आप मेरे पूरे कंस्ट्रक्टर के टॉपिक्स देखिएगा, मैं नीचे लिंक भी देता हूँ पूरे कंस्ट्रक्टर का, तो आप पूरे कंस्ट्रक्टर आप बिगिनिंग से पढ़ते आइए। अच्छा ये तो काम खत्म हो गया, अभी हम कॉपी कंस्ट्रक्टर में एंटर हो रहे हैं। चलो यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाए, यहाँ ऑब्जेक्ट बनाते हैं दूसरा ऑब्जेक्ट, इसके लिए ये मेमोरी बनेगी। जो भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा यही मेमोरी ऐसा ही मिलेगी उसको। तो देखिए तुम्हें यहाँ जो नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसे पैरामीटर में क्या पास कर रहे हैं, जो पुराना ऑब्जेक्ट, जो वही क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब ये दोनों कंस्ट्रक्टर में कौन कॉल होगा, तो कितने पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक, तो यहाँ कितने हैं, दो है, वो तो नहीं लेगा, और यहाँ ये एक पैरामीटर है तो नंबर ऑफ पैरामीटर मैच हो गया। और दूसरा क्या है, तुम्हें क्या पास कर रहे हैं, यम, यम का टाइप क्या था, नम, तो यहाँ एक्स का टाइप क्या है, नम, बस यही कॉल होगा, यही कॉल होगा। देखो जिस, हाँ यम है ना, यम क्या है, नम क्लास का ऑब्जेक्ट है, वही क्लास का ऑब्जेक्ट है, जिस यहाँ यम का टाइप नम है तो वही क्लास का ऑब्जेक्ट, जिस कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर हो वही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो हम आम परसेंट कहीं को लिखे बताऊंगा। तो देखिए जनरली क्या होता, यम में जो भी ये डेटा दिख रहा है आपको, ये पूरा डेटा एक्स में जाना चाहिए, एक्स भी वही क्लास का ऑब्जेक्ट है, वो एक्स को भी ऐसी मेमोरी बनना चाहिए, उसके अंदर एम में जो भी डेटा है वो एक्स में आना चाहिए। मगर यहाँ रेफरेंस वेरिएबल यूज़ करने से क्या हो गया, तो रेफरेंस वेरिएबल यूज़ करने से, रेफरेंस वेरिएबल को आप पैरामीटर में यूज़ करोगे तो एक्स के लिए मेमोरी नहीं बनती, जो उसे पास करे ना एम, उसी का ये अल्टरनेटिव नेम हो जाएगा, वही ऑब्जेक्ट का दो नेम हो जाएंगे।
तो अब इसमें एक्स में चेंज करें तो एम में चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट के दो मेंबर, रेफरेंस वेरिएबल यहाँ ही नहीं कहीं भी रेफरेंस वेरिएबल हो, बट ये तो रूल है रेफरेंस वेरिएबल ही रहना है कॉपी कंस्ट्रक्टर में। तो पर दूसरे जगह पे आप रेफरेंस वेरिएबल का भी यूज़ करते हैं, इसका ये जो पास करते हैं ना उसका ये अल्टरनेटिव नेम बन जाएगा, ऐसा उसके लिए कोई अलग सी मेमोरी नहीं बनेगी। अच्छा अब ये क्या करता है देखेंगे, ये एक्स डॉट ए बोले तो ये है ना वो ए में दे रहा है, एक्स डॉट ए में जो है एक्स डॉट बोले तो ये है ये में बोले तो कौन सा ये में, वो एक है ये एक है, नहीं जिस ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ, नया ऑब्जेक्ट कौन सा था एन है, वो ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ था उसके ये भी कॉल होंगे। देखिए पहले जो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था एम सी, तो एम के ए बी में गए ना, ऐसा वो यहाँ ए के ए बी में जाएंगे, यहाँ सिर्फ करंट ऑब्जेक्ट के जिस ऑब्जेक्ट से कॉल होता है उसके मेंबर को डायरेक्ट यूज करते हैं, ना डॉट यूज करते हैं ना ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तो एन के मेंबर को डायरेक्ट यूज करते हैं। तो एक्स डॉट ए बोले तो इसमें जो है इसमें आएगा टेन, तो एक्स डॉट बी बोले तो ये है, देखिए ओनली बी बोले तो एन का होगा क्योंकि एन सी ही कॉल हुआ है, तो ये 20 इसमें आ गया, बस हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम हो गया, तो वापस आ गया। तो एम डॉट डिस्प्ले को आप कॉल करके देखो, तुम्हारा आउटपुट ऐसा आएगा, देखिएगा आउटपुट ये है, ए इज इक्वल टू 10 हुआ, थोड़ा स्पेस, बी इज इक्वल टू 20, तो फिर सॉरी इज इक्वल टू, तो उसके बाद तो फिर हम लोग एन डॉट बताता हूँ ये मैं थोड़ा, फिर ए इज इक्वल 10 हुआ और बी इज इक्वल टू 20 हुआ। देखिए अब एम डॉट डिस्प्ले कॉल करें ना, तो डिस्प्ले कॉल हुआ तो मेंबर क्लास के अंदर जो मेंबर है उसे तो ऑब्जेक्ट स्विच कॉल करना पड़ता है, एम डॉट डिस्प्ले जो है, तो अब ये स्लैश एन तो न्यू लाइन के लिए, ये इज इक्वल टू डबल कोड के अंदर है तो ये इज इक्वल टू ऐसा ही प्रिंट होगा, जो डबल कोड के बाहर जो है ये जो उसकी वैल्यू आके प्रिंट होगी 10, बी इज इक्वल टू डबल कोड में जो भी दिख रहा है वो एज इट इज प्रिंट होता है, बी की वैल्यू प्रिंट होगी। तो एन डॉट डिस्प्ले से जब कॉल होगा तो एन के वैल्यूज प्रिंट होंगे, वहाँ लिखने की जरूरत है एम डॉट ए एन डॉट, जिस ऑब्जेक्ट से कॉल होंगे ना उसके मेंबर्स, देखिए ए में जो दिए थे हमें एम में जो असाइन कर रहे थे वही एन में भी कॉपी इनिशियलाइज हुए, देखो दो भी वही प्रिंट होंगे ना। कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। तो दूसरे फंक्शन क्या है, दूसरे फंक्शन से भी कर सकते हैं, दूसरे फंक्शन इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर सकता है, देना अलग है इनिशियलाइजेशन करना असाइन करना अलग है, ये डेटा यहाँ असाइन कर सकते हैं। इनिशियलाइज का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट बनते ही उनके इनिशियल वैल्यू वही होंगे ऐसा इनिशियलाइज करना। तो देखिए इनिशियलाइज करने का मतलब ऑब्जेक्ट बनते ही बनने के बाद उसमें कुछ गार्बेज वैल्यू रहेगा उसके बाद हम असाइन करेंगे, उसे इनिशियलाइज नहीं बोलते, ऑब्जेक्ट बनते ही इनिशियलाइज हो जाना है, ऑब्जेक्ट बनते ही इनिशियलाइज करता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर का पॉइंट क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट और कॉपी द डेटा फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट और इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, और कॉपी कंस्ट्रक्टर का एक ही पैरामीटर होगा, एक ही पैरामीटर होगा। देखिए हमें यहाँ एक ही आप पैरामीटर पास करते हैं, हम एम पास करें उन्हें क्या करा, एम में जो भी पास कर रहे हैं हम एम को वो एक्स ही ले लिया और एन में असाइन कर दिया। तो एक में से दूसरे में को कॉपी करना है तो दो ऑब्जेक्ट चाहिए, दो ऑब्जेक्ट बोले तो एक तो ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहा ना, ये तो इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट एक है, जिस ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहा है वो तो एक्सेस होगा, जो एक पास करेंगे तो दो हो गया ना उसे। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉपी करता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को या इनिशियलाइज करता है, कुछ भी बोलिए, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर एक पैरामीटर होगा वो भी वही क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, देखिए वही क्लास का ऑब्जेक्ट, कोई दूसरा क्लास का ऑब्जेक्ट पे उन्हें कॉपी कैसा करेगा, जिस ऑब्जेक्ट से कॉल होता है, अब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर जिस क्लास में वही ऑब्जेक्ट से कॉल होगा, एन वही ऑब्जेक्ट का जो पास कर रहे हैं वो भी वही ऑब्जेक्ट का होगा तब ना कॉपी कर सकते हैं। इसलिए कॉपी कंस्ट्रक्टर का एक ही पैरामीटर वो भी यही क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, बट ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल होगा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल उसका पैरामीटर होगा, देख लीजिए ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल उसका पैरामीटर होगा। अब ये है बस कॉपी कर दिया एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को, ये जस्ट कंस्ट्रक्टर है, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है। कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉपी करना या इनिशियलाइज करना, उसका एक ही पैरामीटर होगा वो भी वही क्लास का ऑब्जेक्ट होगा और वो रेफरेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल होगा। अब इसमें थ्योरी आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए मैं सी डबल प्लस का कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट, दैट इज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास एज इट्स आर्गुमेंट, ये कॉपी करेगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को या इनिशियलाइज करेगा, ये वही क्लास के ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर लेगा, वो पैरामीटर के लेगा। देखिए एक क्लास है इंटीजर, कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसा होता है देखिए, तो इंट नहीं है इंटीजर है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का नाम वही रहेगा, कंस्ट्रक्टर का नाम उसका पैरामीटर भी वही क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, वो भी रेफरेंस वेरिएबल।
वो भी जे में समझो दो मेंबर थे एम एन, हमें तो हाँ दूसरा लिए थे, हमें तो ये भी लिए थे। इसमें जो आया है डेटा, उस डेटा को ने क्या कर रहा है एम एन को, कौन से एम एन को, जिस ऑब्जेक्ट से वो कॉल होगा, एक ऑब्जेक्ट तो पास हो गएगा, एक ऑब्जेक्ट से कॉल होगा, तो जिस पास हो गया उसका डेटा को हम डार्ट लगा के, ऑब्जेक्ट लगा के यूज करना पड़ता। जो इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट जो होता है, जिस ऑब्जेक्ट से वो कॉल हुआ, उसके लिए कोई डार्ट की जरूरत नहीं है। देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के दो तरीके हैं। देखिए द कॉपी कंस्ट्रक्टर टेक रेफरेंस वेरिएबल ऑफ द सेम क्लास एज आर्गुमेंट, सेम क्लास ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल को वो लेगा पैरामीटर जैसा। देखिए उसे कॉल करने का तरीका देखिए, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन, कॉल हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट टू से, पास कर रहे हैं किसे ऑब्जेक्ट वन, मतलब ऑब्जेक्ट वन पहले ही बना हुआ है समझो, वो ऑब्जेक्ट वन को पास कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट वन का डेटा को ऑब्जेक्ट टू में आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट वन किसे पास हो रहा है, ये वो भी जो है ना उसे पास होगा। तो आप जो पास कर रहे हैं उसका वो ऑब्जेक्ट के मेंबर होना है, तो ऐसा एक्सेस करना डार्ट लगा के, ऑब्जेक्ट लगा के, ये ऑब्जेक्ट लगा के, तो जिस ये ऑब्जेक्ट के मेंबर को एक्सेस करना है तो ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं एम एन बोल के। तो ये असाइन हो रहा है समझो ऑब्जेक्ट वन से ऑब्जेक्ट टू को। यहाँ एग्जाम्पल दिया है, ऑब्जेक्ट वन पहले बन रहा है, देखिए इंटीजर ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट वन पहले बन रहा है, तो उसे हमें आर्ग्यूमेंट पास किया, वही हम पास कर रहे थे ना वहाँ एम को पास कर रहे थे, ये 10 20 ऐसा। तो यहाँ देख सकते हैं आप 10 20 हम पास कर रहे थे ना एम को, वो दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया एम एन में रख दिया, एम में रख दिया, एम के ए बी में रख दिया, उसके बाद एम को पास करे तो उसका लेके एन रख दिया। वैसा देखिए पहले ऑब्जेक्ट वन हम बना रहे हैं, उसे ये यहाँ जो भी वैल्यूज दे रहे हैं समझो, ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज हो जाएंगे वो कंस्ट्रक्टर के द्वारा, दूसरे कंस्ट्रक्टर के द्वारा, कॉपी कंस्ट्रक्टर ने, कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा। अब ऑब्जेक्ट टू बना रहे हैं तो जो ऑलरेडी बना हुआ ऑब्जेक्ट को हमें पैरामीटर के रूप में पास कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट वन जाके ऑब्जेक्ट टू को इनिशियलाइज हो जाएगा। देखिए ये तो इसके कॉल करने का और एक तरीका है, देखो ऐसा भी कॉल कर सकते हैं आप, ऐसा भी देखो ये स्टेप का इक्वल है, ये स्टेप का ये इक्वल है, तो ये तो वैसा ही उसका एग्जाम्पल है कि पहले ऑब्जेक्ट वन बना लिए है, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू यहाँ रहेगा, सॉरी हाँ ऑब्जेक्ट टू रहेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट वन पैरामीटर जैसा हम पास करेंगे ऑब्जेक्ट वन पैरामीटर, ऐसा भी इसे कॉल कर सकते हैं आप, एग्जाम्पल में भी ये देख सकते हैं आप। अब इसका मटेरियल मैं दिखा दूंगा एक बार ऊपर से, देखिए तो आप लिख लेना चाहेंगे तो मटेरियल लिख ले सकते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर का, कॉपी कंस्ट्रक्टर दो तरह से कॉल कर सकते हैं। अब यहां से और एक वहां का एग्जाम्पल है ये, ठीक है ये है कॉपी कंस्ट्रक्टर का नोट्स। प्लीज आपको समझ में आ गया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे।